अस्सलामुअलैकुम केक क्रिएशन पर आज हम पेस्ट्री की फिलिंग बनाएंगे जो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। आप 3 चिकन की थाई ले लें, बोनलेस, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लें और इसको आप इस तरह से पॉट में डाल दें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसके अंदर में 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 2 टेबल स्पून जिंजर अदरक है, 3 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई है, नमक है 2 टीस्पून और हसबे जायका रेड क्रश पेपर है 1 टेबल स्पून, दिल जिसको सोया भी कहते हैं वो ना ड्राई है, अगर फ्रेश भी आपके पास है तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं 1/2 टेबल स्पून, और करी लीफ का मसाला जो मैं बनाती हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इन द मेन टाइम आप 4 स्मॉल टू मीडियम आलू ले लें, इनको इस तरह से काट लें और बॉईल करने के लिए रख दें। पहले आप पानी में अच्छी तरह से रखें थोड़ी देर, इनकी सारा स्टार्च निकल जाए, धो जाए, तो ठंडे ही पानी में भर के फिर इसको आप चूल्हे पे रख दें, तो इस तरह से ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप एक दूसरे छोटे पॉट में पानी डाल दें और इसको गर्म करने के लिए रखें। हम इसके अंदर में ओरजू डालेंगे, पानी को जोश आ गया, अब हम इसके अंदर में 1.5 कप ओरजू डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं हम चिकन को देखते हैं। इसको हम इसी के पानी में पकाएंगे, इसमें घी और तेल या ऐसी कोई चीज़ नहीं जाती। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको ढक देंगे, फिर लो मीडियम पर इसको पकाएंगे जब तक ये बोटी अच्छी तरह से गल जाए, ताकि हम जब चम्मच इसको मारें तो ये सब रेशा रेशा हो जाना चाहिए। आप इस तरह से छोटी छोटी बोटी इनकी कर लें ताकि रेशा करना आसान हो, आप बड़ा भी डाल सकते हैं, उसमें लंबे रेशे होंगे। सही है, अब इसको हम पकने देंगे इसी के अपने पानी में। आलू को अच्छी तरह से जोश आया है, सिर्फ हम चेक करते हैं कि गल गया नहीं, अच्छी तरह से स्टिक अंदर नहीं जा रही, तो अभी थोड़ा सा कच्चा है तो इसका इंतजार करते हैं। और ओरजू को भी चेक कर ही लेते हैं, नहीं है अभी जोश खा रहा है, इसको थोड़ी देर अभी पकने दें। ओरजू अच्छी तरह से हो गए हैं, इनको अब हम छान कर साइड में रख देंगे और इसके अंदर में ठंडा पानी नहीं डालेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपके पास ओरजू नहीं है तो आप इसकी जगह पे स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। चलो हम इसको भी देखते हैं, आलू को भी, आलू भी तकरीबन लगता है हो ही गए। तब मैं इनको भी निकाल के ठंडे पानी से धो के इनका छिलका निकाल के रेडी रखती हूँ, यह हम निकाल के साइड में रेडी रखेंगे। चलिए हम इसको भी देखते हैं, बोटी अच्छी तरह से गल गई है। आप इसको स्पून से भी इस तरह से मैश कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये भी हो मैश करने का, जो आलू को मैश करने का होता है, आप इससे भी इसको मैश कर सकते हैं तो आसानी के साथ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैश हो जाता है,
चूल्हा बंद कर देंगे हम। अच्छी तरह से मैश हो गया है, अब हम इसके अंदर में आलू डाल देंगे। थोड़े थोड़े करके डालें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो, बहुत सारे एक साथ ना डालें, और उसको इसी के साथ मैश कर लें। ये सब अच्छी तरह से आलू मिक्स हो गया है। अच्छा, ओरजू को आप इस्तेमाल करने से पहले ठंडे पानी से ज़रा रिंस कर लें तो ये खुला खुला हो जाएगा। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर में चीज़ डालेंगे। आप अपनी पसंद की जो भी चीज़ हो डाल सकते हैं। 1.5 कप टोटल है। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। आप नमक वगैरह भी चख लें, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नमक डाल सकते हैं। मिर्च तो बिल्कुल बराबर है, अगर आपको और ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल बराबर है। इसको हल्के हल्के हम मिक्स करेंगे, बहुत दबा दबा के नहीं। अब इसके अंदर ऊपर हम चाट का मसाला डाल देंगे, 1 टेबल स्पून। अब आप अपनी पसंद के पेस्ट्री बनाएं, स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं या फिर ट्रायंगल बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर थोड़ा सा ये बच जाए तो आप यही सेम चीज़ को समोसे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।